हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग के बारे में। और इस वीडियो में अल्फा बीटा प्रूनिंग के बारे में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट से हम डिस्कस करते हैं कि जो अल्फा बीटा प्रूनिंग मेथड है, इसको हम मिनी मैक्स का एडवांस वर्जन भी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, मिनी मैक्स एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो परफॉर्मेंस है, वो हम ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी कैलकुलेट करते हैं। मतलब कहने का कि अगर हमारे पास एक गेम ट्री है और उस गेम ट्री में जो ब्रांच फैक्टर है वो है बी, मतलब हर एक नोड के बी नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं, और वो ब्रांच फैक्टर जो बी है और हमारे पास जो गेम ट्री है, गेम ट्री की डेप्थ जो है वो कितनी है, डी, तो हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है मिनी मैक्स की, वो बनती है ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी। और ऐसा एक्चुअली इसलिए है क्योंकि हम सारी नोड्स को एक्सप्लोर करते हैं और हमें करना क्या होता है, हमारा जो मेन एम क्या है कि हमें मैक्स के लिए, जो मैक्स प्लेयर है उसके लिए बेस्ट पाथ फाइंड करना है। तो मैक्स प्लेयर जो कि हमारा रूट लेवल पे हम कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट पाथ फाइंड करने में टोटल हमें सारी नोड्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है और हमारे पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है वो ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी। और जो अल्फा बीटा प्रूनिंग है, इसमें हम एक्चुअल में करते क्या है, हमें जो ये जो एक्सप्लोरिंग है, इस एक्सप्लोरिंग को हमें कट ऑफ करना है। और यही यहां पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि कट ऑफ द सर्च By exploring less number of nodes, मतलब अगर हम number of nodes को explore कम करेंगे तो obviously हमारी जो performance है वो बढ़ जाएगी, मतलब हमारी जो time है वो टाइम डेफिनेटली हमारा कम लगेगा, किसमें, अल्फा बीटा प्रूनिंग में। और ये एक्चुअल में हम करते कैसे हैं, हम अगर हमारे पास ऑलरेडी एक पाथ फाइंड हो गया, अगर हमारे पास ऑलरेडी एक बेस्ट पाथ फाइंड हो गया, तो हम बाकी के जो पाथ है उनको प्रून कर देंगे। प्रून का मतलब क्या होता है, कट ऑफ कर देना, मतलब हम उनको एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल डिसीजन में कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं कर रहे। और अगर हमारे पास ऑलरेडी एक पाथ मिल गया तो हम बाकी के पाथ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उनको हम प्रून कर देंगे। और यही मेथड को हम बोलते हैं अल्फा बीटा प्रूनिंग। और एक्चुअल में है क्या अल्फा बीटा, अल्फा बीटा दो वैल्यूज है, और अल्फा जनरली हम मैक्स नोड के लिए कंसीडर करते हैं और बीटा वैल्यू जो है वो जनरली हम मिन नोड के लिए कंसीडर करते हैं। लेकिन हम ये अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं और कैसे हम प्रून करते हैं वैल्यूज को, मतलब हम पाथ को कैसे प्रून करते हैं, नोड्स को कैसे प्रून करते हैं, और हम लेस नंबर ऑफ नोड्स को कैसे एक्सप्लोर करते हैं रादर देन मिनी मैक्स, वो पॉइंट हम इस गेम ट्री से देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहां पे जो गेम ट्री लिया हुआ है, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल जो है वो थोड़ा बड़ा लिया हुआ है ताकि आपको सारे जो केसेस हैं उनको मैं इसमें कंसीडर कर दूं और आपको पता लग जाए कि अल्फा बीटा प्रूनिंग जो है वो कैसे काम करती है। तो हमारे पास गेम ट्री में रूट नोड पे मैक्स जो है, नेक्स्ट हमारे पास मिन है, और फिर मैक्स है, फिर मिन है, और लास्ट में हमारे पास टर्मिनल्स हैं जिनको हम लीफ नोड बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हम जनरली कंसीडर करते हैं कि मैक्स, मतलब मैं एक मैक्स प्लेयर हूं और मैक्स प्लेयर ने अपनी एक टर्न ली, मतलब उसने अपना एक पाथ जो है चूज किया, उसके बाद मिन चूज करेगा, फिर मैक्स चूज करेगा, फिर मिन चूज करेगा, इस तरीके। और हमारे पास टर्मिनल पे ऑलरेडी जो यूटिलिटी है, जो वैल्यूज है, वो ऑलरेडी हमारे पास है, तो इन्हीं वैल्यूज के हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे हमें बीटा और अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और कैसे हमें नोड्स को नहीं एक्सप्लोर करना, मतलब किन नोड्स को एक्सप्लोर करना है और किन को ना भी करें तब भी हमारे पास बेस्ट पाथ मिले, यही है अल्फा बीटा प्रूनिंग। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जैसा कि हमें डेप्थ फर्स्ट सर्च के अकॉर्डिंग हम इसको चलते हैं, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम ऑब्वियसली सबसे पहले कहां पे पहुंचेंगे, इस टर्मिनल नोड पे पहुंचेंगे, और इस टर्मिनल नोड पे हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3। जैसे ही आपको यहां पे जो भी वैल्यू मिलती है, आपको तुरंत क्या करना है, ऊपर हमारे पास क्या है, मिन, और मिन नोड की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बीटा की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, मैंने पहले ही बताया कि बीटा की वैल्यू हम मिन नोड पे कंसीडर करते हैं, अल्फा हम मैक्स पे, बीटा मिन पे, अल्फा मैक्स पे, ये चीज आप ऑलरेडी पहले लिख सकते हो। और अब हमारे पास जैसे ही टर्मिनल पे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मोस्ट साइड में हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3, हम बीटा की वैल्यू को क्या कर देंगे, साथ के साथ 3 फिक्स कर देंगे। लेकिन इस नोड की जो मीन वैल्यू है ये हमें नहीं पता, लेकिन इससे हमें ये अंदाजा हो गया कि अगर इस नोड की बीटा वैल्यू 3 है तो मीन वैल्यू 3 या 3 से कम होगी। ऑब्वियसली अगर हमारे पास 3 वैल्यू इसकी बीटा की आती है तो इस नोड की जो मीन वैल्यू है वो या तो 3 होगी, 3 तो है ही हमारे पास ऑलरेडी, या फिर 3 से कम होगी। हमने क्या किया,
इस नोड पे गए, जैसे ही हम इस नोड पे गए इसमें कितनी वैल्यू है 4, तो ऑब्वियसली ये मिन नोड है, तो मिन में बीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 ही रहेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पे हमें पता लग गया कि इस नोड की जो मिन वैल्यू है वो कितनी हो गई, यहां पे 3 कंफर्म हो गया। अब ये कितनी वैल्यू है, यहां पे 3। कैसे कंसीडर किया हमने, इस वैल्यू को हमने देखा 3, बीटा की वैल्यू को साथ के साथ आप क्या कर दो, फिक्स 3। लेकिन जो इस नोड की मिन वैल्यू है वो 3 भी हो सकती है, 3 से कम भी हो सकती है, क्योंकि अगर यहां पे 4 की बजाय 2 हुआ तो ऑब्वियसली इसकी जो मिन वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और बीटा भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि बीटा को हम कंसीडर करते हैं डिक्रीजिंग में, मतलब बीटा को हम जनरली पहले अपर बाउंड लेके चलते हैं, मतलब प्लस इंफिनिटी लेके चलते हैं, और फिर हम उसकी वैल्यू को डिक्रीज मिनिमम चूज करते हैं, और अल्फा की वैल्यू को हम मैक्सिमम मतलब इंक्रीजिंग वे में लेके जाते हैं। लेकिन आपको माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो, और बिल्कुल सिंपल वे से ही मैं इसको आपको समझा रहा हूं। तो अब हमारे पास इस नोड की जो मिन वैल्यू है वो फिक्स हो गई कितनी, 3। अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो मैक्स है, जब हमारे पास एक नोड की वैल्यू फिक्स हो जाए, मिन वैल्यू या मैक्स वैल्यू फिक्स हो जाए, हम उसको अब ऊपर लेके जाते हैं। तो यहां पे मैक्स वैल्यू जो है अल्फा की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, और इस नोड की जो मैक्स वैल्यू है इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता लग गया कि इस नोड की मैक्स वैल्यू कितनी होगी, 3 या 3 से ज्यादा। मतलब कहने का कि 3 तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन हमें मैक्स की तरफ जाना है, तो मैक्स का मतलब क्या है कि मिनिमम तो 3 रहेगी, हो सकता है 3 से ज्यादा भी हो जाए अगर हम इन नोड्स को कंसीडर करें। लेकिन एक अंदाजा हो गया कि इसकी जो मैक्स वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये हमें इससे पता लग गया। अब हम जाते हैं नीचे इसकी तरफ, और फिर हम जाते हैं नीचे 2 की तरफ। जैसे हमें यहां पे पता लगा वैल्यू कितनी है, 2, तो हमने साथ के साथ बीटा की वैल्यू कितनी फिक्स कर दी, 2 फिक्स कर दी। सिंपल, बस आपको जैसे ही वैल्यू जो आपको दिखे वही यहां पे बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। लेकिन इस नोड की जो मिन वैल्यू है, मिन वैल्यू इस नोड की, क्योंकि हम मिन की बात करें यहां पे, तो इस नोड की जो मिन वैल्यू है वो 2 या 2 से क्या होगी, कम होगी, या तो वो 2 रहेगी या फिर हो सकता है 2 से कम हो जाए। लेकिन जैसे ही हमने यहां पे देखा कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहां पे 3 है, अल्फा की वैल्यू जो मैक्स वैल्यू है वो क्या होगी, 3 या 3 से ज्यादा, लेकिन ये जो बीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 2, मतलब इस नोड पे या तो 2 वैल्यू रहेगी या 2 से कम रहेगी। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक पाथ मिल गया जो कह रहा है कि मैं आपको अल्फा को 3 या 3 से ज्यादा में लेके जा सकता हूं, कम से कम 3 में तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, और ये मेरे को कह रहा है कि मैं आपको 2 मिनिमम में लेके जाऊंगा, तो ऑब्वियसली हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यानी इस वाली नोड को हमें एक्सप्लोर करने का कोई फायदा ही नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, एक तरह से प्रून कर देंगे, प्रून मतलब हम इसको सर्च ही नहीं करेंगे। देन हमारे पास यहां पे अल्फा की वैल्यू अब कितनी हो गई, यहां पे फिक्स हो गई 3, मतलब मैक्सिमम ये मुझे इस पाथ पे अगर लेके जाएगा तो 3 का फायदा जो है, 3 का जो यूटिलिटी है वो मेरे को मिलेगी ही मिलेगी। अब हम इस वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं तो हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पे सिंपली 3, लेकिन इस नोड की जो मिन वैल्यू है वो कितनी होगी, या तो 3 होगी या 3 से कम होगी। बस आपको सिंपल करना क्या है कि जो मिन वैल्यू है वो बीटा की वैल्यू के या तो बराबर होगी या उससे कम होगी, उससे कम हम जब हम इन नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे हो सकता है हमें इससे कम मिल जाए, लेकिन मिनिमम जो है वो कितनी होगी, 3 तो होगी ही होगी। अब हम जाते हैं इसकी तरफ, जैसे ही हम यहां पे गए नीचे, हमारे पास यहां पे कितनी आई वैल्यू, 7, हमने साथ के साथ बीटा की वैल्यू को क्या कर दिया, फिक्स 7। जैसे ही हमने बीटा की वैल्यू को 7 फिक्स किया, इस नोड की जो मिन वैल्यू है वो कितनी होगी, क्योंकि हम मिनिमम की बात कर रहे हैं यहां पे, तो इस लेवल पे मिन लेवल पे वैल्यू या तो 7 होगी या 7 से कम होगी, या तो ऑब्वियसली इस नोड की जो मिन वैल्यू है वो या तो 7 होगी या 7 से क्या हो गई, लेस होगी। लेकिन जैसे ही हमने 8 को एक्सप्लोर किया, अब हमें पता लग गया कि इसकी वैल्यू जो है वो बीटा की वैल्यू 7 ही रहने दो, और इस नोड की जो मिन वैल्यू है वो भी कितनी हो गई, यहां पे 7 हो गई। अब हम इस वैल्यू को, जब हमारे पास ऑलरेडी एक फिक्स होगी वैल्यू, अब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो हम अल्फा की वैल्यू को अब क्या कर देते हैं, 7 जो है वो फिक्स कर देते हैं। लेकिन इस नोड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, क्योंकि हम यहां पे मैक्स नोड की बात कर रहे हैं, तो इस नोड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 और 7 से ज्यादा भी हो सकती है। 7 से क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मतलब अभी हमें पता नहीं है, लेकिन मिनिमम 7 तो
होगी ही होगी। लेकिन जैसे ही हम ऊपर वाले लेवल पे देखा कि जो ये वाला लेवल है ये कह रहा है कि बीटा की वैल्यू को मैं 3 ले जाऊं, मतलब बीटा की वैल्यू को 3 है तो ये नोड की जो मिन वैल्यू है या तो वो 3 होगी या फिर 3 से क्या हो गई, लेस होगी। लेकिन ये वाला पाथ जो है ये हमें कह रहा है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, 7। तो ऑब्वियसली हमें इस पाथ पे जाने का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। अगर हम इस पाथ पे जाते हैं चाहे हमें यहां पे अल्फा की वैल्यू 1000 मिल जाए लेकिन ये सिलेक्ट ही नहीं करेगा, इसको तो ऑलरेडी बीटा की वैल्यू 3 मिनिमम मिल गई, तो या तो ये 3 को ढूंढेगा या 3 से कम को ढूंढेगा। लेकिन हमारे पास अल्फा की वैल्यू यहां पे पता लग गई 7 या 7 से ज्यादा, तो ऑब्वियसली इस पूरे पाथ को आपको सर्च करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। आप सिंपली क्या कर दो, इसको प्रून कर दो। क्योंकि अगर आप जाओगे भी, अगर आप लेट से इसको 9 और 10 को में से मिनिमम वैल्यू कितनी है 9, यहां पे आप मिनिमम वैल्यू 9 लेके आओगे और यहां पे आपको पता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 7। अब यहां पे 7 थी यहां पे 9 थी तो ऑब्वियसली यहां पे वैल्यू आप कितनी कर दोगे 9। लेकिन क्या ये 9 कंसीडर करेगा, ये 9 को कंसीडर करेगा ही नहीं क्योंकि इसने ऑलरेडी बीटा की वैल्यू को 3 कर दिया, तो ये कह रहा है कि मेरे को या तो 3 दो या 3 से कम दो। लेकिन ये वाला पाथ तो आपको 9 तक लेके जा रहा है। 9 क्या, अगर ये 1000 तक भी ले जाए तब भी कोई बेनिफिट होगा ही नहीं क्योंकि ये हमारे फाइनल डिसीजन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, मतलब हमारे फाइनल डिसीजन के ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर रहा। तो जो अगर इन्फ्लुएंस क्रिएट ही नहीं कर रहा, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा, तो ऑब्वियसली हम इस पूरे पाथ को कंसीडर ना ही करें और इसको हम क्या कर दें, प्रून कर दें। तो अब हमारे पास पता लग गया कि ये वाला पाथ ऑब्वियसली मेरे पे अच्छा पाथ है क्योंकि यहां पे मेरे को बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है 3 और बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 फिक्स हो गई, तो यानी मिनिमम वैल्यू जो है उसकी हमने क्या कर दी, 3 फिक्स कर दी। अब हम इस वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं, जैसे ही हम ऊपर लेके गए यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी कर दी हमने, 3 कर दी। लेकिन मैक्स वैल्यू कितनी होगी, 3 या 3 से ज्यादा। मैक्स वैल्यू को हमेशा आप क्या करिया करो कि जो वैल्यू आपने अल्फा की है मैक्स वैल्यू उससे या उससे ज्यादा होगी। तो क्या ये वैल्यू मैक्स की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो सकती है, क्या हमें कोई और पाथ ऐसा मिल सकता है जो हमें मैक्स को और ज्यादा फायदा करवा सके? क्योंकि हमारे पास 3 वाला एक पाथ ऑलरेडी मिल गया, क्या हमें और ज्यादा बेनिफिशियल पाथ मिल सकता है? हम जाते हैं अब राइट साइड में। जैसे हम राइट साइड में गए बीटा अल्फा और सीधा हम यहां पे टर्मिनल लेवल पे पहुंच गए और टर्मिनल पे वैल्यू कितनी है 2 और हमारे पास यहां पे बीटा की वैल्यू साथ के साथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये जैसा कि मिन नोड है तो मिन नोड का मतलब क्या है, अगर बीटा की वैल्यू 2 है तो मिन नोड की वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से कम होगी क्योंकि ये 2 से ज्यादा वाली को तो कंसीडर ही नहीं करेगा, तो या तो इसकी वैल्यू 2 होगी या 2 से क्या होगी, लेस होगी। हमने क्या किया, हमने यहां पे जैसी अगर हम यहां पे 11 को कंसीडर करो आप, तो ऑब्वियसली इसे 11 का कोई बेनिफिट ही नहीं है क्योंकि यहां पे आप इसको कंसीडर करोगे ही नहीं। अगर आप यहां पे भी जाते हो तो ऑब्वियसली बीटा की वैल्यू को आप साथ के साथ क्या कर दोगे, 1 फिक्स कर दोगे। जैसे ही आपने बीटा की वैल्यू को 1 फिक्स किया तो इस नोड की वैल्यू जो है वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। तो यानी यहां पे बीटा की वैल्यू 2 होगी और यहां पे बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ऑब्वियसली अल्फा जो है वो मैक्स है, वो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको कंसीडर करेगा और मैक्स वैल्यू इनमें से कितनी है, 2 है। मतलब ये मैक्स वैल्यू 2 की तरफ आपको लेके जा रहा है, तो यानी इसको पता लग गया अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहां पे मैक्सिमम 2 है। अगर अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम 2 है तो यहां पे बीटा की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2। मतलब ये जो मिन है ये बोल रहा है कि या तो मेरे को 2 पाथ वाला मेरे को ऑलरेडी मिल गया, ये मेरे को 2 पाथ पे लेके जा रहा है, या मुझे इससे कम वाला चाहिए, या तो मुझे 2 वाला चाहिए या 2 से कम वाला चाहिए। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास जो मैक्स नोड है, मैक्स नोड पे हमें अल्फा 3 ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब ये वाला जो मैक्स नोड है ये बोल रहा है मेरे को ऑलरेडी 3 वाला पाथ मिल चुका है, मेरे को 3 से ज्यादा वाला पाथ अगर कोई है तो वो बताओ। लेकिन ये वाला जो बीटा वैल्यू कितनी है, 2, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पाथ है ये कंसीडर करेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर इस तरफ जाता है तो इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना फायदा होगा, 2 का, लेकिन ऑलरेडी इसको 3 का फायदा यहां पे हो रहा है, तो ये 2 या 1 वाले कम पाथ में जाएगा ही नहीं। तो ये जो पूरा का पूरा जो वैल्यू है यहां पे, ये पूरी की पूरी नोड्स जो है वो क्या हो जाएंगी, प्रून हो जाएंगी, मतलब हम इनको कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो अगर हम इनको कंसीडर ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो नंबर ऑफ नोड्स है जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो क्या हो गई, कम हो गई। अगर आप इसको मिनिमैक्स के अकॉर्डिंग
कंसीडर भी करते हो तब भी ये वे वाला पाथ चूज ही नहीं करेगा। क्यों नहीं चूज करेगा? क्योंकि यहां पे मिनिमम वैल्यू कितनी ले रहा है, ये 2 ले रहा है, और यहां पे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3। मतलब अगर मैक्स ये वाला पाथ चूज कर रहा है तो उसको पता लग गया मुझे कम से कम फायदा 3 का होगा, और अगर ये वाला पाथ चूज कर रहा है मुझे फायदा 2 का होगा। जब मुझे ऑलरेडी एक फायदा ज्यादा फायदा वाला पाथ मिल गया तो मैं कम फायदे वाले पाथ को एक्सप्लोर ही ना करूं। यही अल्फा बीटा प्रूनिंग का एक्चुअल में रूट जो समरी है वो यही समरी है। तो इसकी वजह से ये पूरी जो नोड्स है इनको ये प्रून कर देगा, मतलब इनको एक्सप्लोर ही नहीं करेगा। तो अगर मिनीमैक्स सारी नोड्स को एक्सप्लोर करता है तो ये जो है अल्फा बीटा प्रूनिंग ये काफी नोड्स को जो एक्सप्लोर नहीं करता। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि बेस्ट केस अगर हम कंसिडर करें तो बेस्ट केस के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर ऑफ b की पावर d बाय 2 जो है वो कंसीडर करता है। मतलब बेस्ट केस ही एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ b की पावर d बाय 2 लेके चलता है परफॉर्मेंस, व्हिच इज हायर देन एज कंपेयर टू ऑर्डर ऑफ b की पावर d। मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होगी, परफॉर्मेंस वाइज आप कह सकते हो ये बहुत ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू द मिनीमैक्स एल्गोरिथम। लेकिन वर्स्ट केस में तो हो सकता है आपको सारी नोड्स ही कंसीडर करनी पड़े, तो वर्स्ट केस में अल्फा बीटा भी ऑर्डर ऑफ b की पावर d ही करेगा। लेकिन बेस्ट केस अगर आप कंसीडर करो या एवरेज कंसीडर करो तो ऑर्डर ऑफ b की पावर d बाय 2। तो नंबर ऑफ नोड्स जो है हमने काफी क्या कर दी, प्रून कर दी, मतलब एक्सप्लोर ही नहीं किया, और इसकी वजह से आपको जो ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी फायदा हुआ। तो यहां पे आप सिंपली कह सकते हो ये वाली सारी नोड्स जो है इनको हम एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें ऑलरेडी ये वाला पाथ मिल गया जो मैक्स को 3 का बेनिफिट करवा रहा है तो हम इससे कम वाले बेनिफिट वाले पाथ को एक्सप्लोर ही ना करें। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ नोड्स कम एक्सप्लोर होंगी, और दैट्स व्हाई अल्फा बीटा प्रूनिंग इज मच मोर एफिशिएंट देन द मिनीमैक्स एल्गोरिथम। थैंक यू।